मैंने अभी अभी एक कार्ड रीडर खरीदा है जो कि है ट्रांसकैन कंपनी से, और इसका मॉडल नंबर है कार्ड रीडर RDF8 जो कि USB 3.1 सपोर्ट करता है और इसका चेन 1 है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो केबल लगता है वो वाला केबल इसके साथ आता है, और ये कार्ड रीडर सपोर्ट करता है SD और MicroSD। इसके अलावा भी जो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड होता है जिसको CF कार्ड भी बोला जाता है वो भी ये सपोर्ट करता है। इसमें टोटल 3 स्लॉट है डिफरेंट कार्ड्स के लिए। तो अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, और इसको खुलते मैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो लोग मिस्टेक करते हैं कार्ड रीडर्स के बारे में। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि कार्ड रीडर्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इस बॉक्स को खोलने के लिए आपको किसी नाइफ या फिर सीजर की ज़रूरत नहीं है। इस बॉक्स में इधर एक पैटर्न बना हुआ है, इस पर आप अगर उंगली से थोड़ा सा खींचेंगे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हाँ, तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था, लोग आसानी से कार्ड रीडर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसा कार्ड रीडर यूज़ करते हुए देखा है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं, लोकल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसमें भी दोनों स्लॉट है, एक माइक्रो SD के लिए और एक फुल साइज SD के लिए, दोनों तरह की स्लॉट रहते हैं इस तरह के कार्ड रीडर्स में। लेकिन ये कार्ड रीडर्स बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, आसानी से ख़राब हो जाते हैं, और अगर आपके फाइल्स ज़्यादा साइज़ के हैं तो इसमें दिक्कत आ सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरा चीज़ उन लोगों के साथ होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करते वक्त फाइल्स करप्ट होते हैं, उसके साथ कार्ड रीडर्स भी ख़राब होते हैं, तो ये बहुत ही दिक्कत देता है। फिर भी लोग नहीं समझते, इस पर ही टिके रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इन इंडस्ट्री में है, फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के इंडस्ट्री में है, उन लोगों को भी देखा है कि वो लोग अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 के ऊपर जाना नहीं चाहते। 500-600 के अंदर आपको जो कार्ड रीडर मिलते हैं उसमें भी उतना पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम नहीं कर सकते हो, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी कार्ड रीडर्स देखे हैं, सबसे कम बजट में मुझे ये वाला अच्छा लगा। ये 1000 रुपीज़ के आसपास के बजट में आते हैं ट्रांसकैन के। इसके पहले वाला भी एक वर्सन था जो कि USB 3.0 को सपोर्ट करता था, ये थोड़ा अपग्रेडेड है। तो इसके अलावा भी इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो सैंडिस्क के भी आते हैं कार्ड रीडर्स। तो फिलहाल इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसको खोल लेते हैं, और ये रहा हमारा कार्ड रीडर। ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश आता है और बाकी तरफ मैट फिनिश है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला वही सेम केबल है जो कि हार्ड डिस्क के साथ आते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और मैंने काफ़ी लोगों को ये भी देखा है कि वो लोग डायरेक्ट इसमें कार्ड लगा कर ही एडिटिंग वगैरह का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। एक्चुअली इस कार्ड रीडर का स्पीड ही इतना फास्ट है कि लोगों को दिक्कत नहीं आता है। वर्ल्ड वाइड वारंटी आता है 2 साल का इसका, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है लोगों को, और लोग डायरेक्टली इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप पहले कॉपी कर लीजिए आप अपने फाइल्स, फिर काम शुरू कीजिए। इस पर एक LED लाइट इंडिकेटर भी है जो कि हम कनेक्ट करने के बाद देख पाएंगे। तो अभी हम इस कार्ड को कार्ड रीडर में इंसर्ट कर रहे हैं और इसको लगाएंगे PC के अंदर, क्योंकि ये एक USB 3.1 डिवाइस है। तो आपके पास PC के अंदर अगर 3.1 अवेलेबल है तो उस पर लगाइए, या फिर अवेलेबल नहीं है तो 3.0 में ज़रूर लगाइए, क्योंकि 2.0 पे लगा के आप इसका परफॉर्मेंस नहीं पाएंगे। इधर फाइल एक्सप्लोरर खोल चुका है, इधर यहाँ पर 1.91 GB का फाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस सारे फाइल्स को ट्रांसफ़र करेंगे SD कार्ड से मेरे कंप्यूटर के अंदर, और इसका क्या स्पीड आ रहा है वो थोड़ा देखेंगे। तो अभी जो स्पीड आ रहा है वो लगभग 89 से लेकर 90 के आसपास आ रहा है, 89.23 ऐसा कुछ आ रहा है, 90 आ रहा है अभी। तो इसका स्पीड जो है वो एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से किसी एस्पेक्ट में कम नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है एक्सटर्नल, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। क्रिस्टल डिस्क वगैरह का टेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल एक कॉपी पेस्ट का ही टेस्ट दिखाया मैंने। और मैं इस कार्ड रीडर को रिकमेंड करूँगा, आपको अगर ख़रीदना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ख़रीद सकते हैं।